आप तो बड़ी समझदार हो, आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहाँ से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अप्पा जी खाते खाते हरी ओम हो जाए। मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हो? हमारी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं बन सकता लक्ष्मी, और ना ही ये किसी के सामने हमें खुद को साबित करने का माध्यम बन सकता है। चमत्कार की शक्तियां तो दूसरों की मदद करने के लिए होती हैं। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज तुम जलेबी खाना चाहती हो, लेकिन आप कैसे जान गए कि मुझे जलेबियां खानी है? और कोई है जिसके पास आज बहुत जलेबियां हैं? और अगर वो इतनी सारी मिठाइयां, इतनी सारी जलेबी अकेले खाएगा तो उसे नुकसान पहुंच सकता है, और इस स्थिति में तुम उस भद्र पुरुष की मदद कर सकती हो। तो बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो फिर बहुत सारी मिठाइयाँ खानी पड़ेंगी। इससे अच्छी क्या बात होगी? करारी भी कहाँ से आई? यहीं, शिरडी से। शिरडी से? लेकिन शिरडी के किसी भी दुकान में मैंने ऐसी जलेबी देखी ही नहीं है। रायजा माँ, अब तुम ही बताओ, शिरडी में इस समय ये जलेबियाँ कहाँ मिल रही हैं? इसका मतलब कि साई ना सिर्फ मेरा दुख जानता है बल्कि अप्पा जी की सहायता भी कर रहा है। बड़ी स्वादिष्ट है। अभी तो बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है। सच?
बहुत पसंद है। अरे तुम सोच क्या रही हो, बुलाओ मोनी को भी और हाँ उसके सारे दोस्तों को भी बुलाओ, बहुत मिठाई खानी है, जाओ जल्दी जाओ। मैं जो भी खा रहा हूँ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो मेरे पेट में न जाकर कहीं और जा रहा है। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ देख क्या रहे हो? परोसो और परोसो। पूरा परोस दो। संकोच क्यों? परोसिए, अभी तो मैं और खाऊंगा। समाप्त हुआ, कोई बात नहीं, मुझे घर जाकर भी भोजन करना है। दादा, ये आदमी है कि दानव? 50 लोगों का खाना खाकर कह रहा है और भी खाएगा, भूखा कहेगा। जाने दे रहा हूं अप्पा जी, अगली बार क्षमा नहीं करूंगा, समझ गए ना? ये
ये लड्डू ये लक्ष्मी खाएगी। बस बस अब पेट फट जाएगा। अरे तो फिर ये आखिरी है। चलो चलो। अरे कोई बात नहीं भाई, जय श्री राम जी की इच्छा। जाओ भाई जमा, सब अच्छा है। क्या भाई जमा? फिर वही, मैंने आपको समझाया था ना, अल्लाह। अंग्रेज सरकार के नए बनाए हुए नियमों ने मेरे हाथ बांध के रखे हैं, वरना कब का उस बैरागी को शिरडी से बाहर निकाल कर फेंक देता हूं। घर की सत्ता में अपनी पकड़ बनाने का ये मौका कैसे चूक सकती है ये चूताई? दादा दादा ओल। दादा आपको परेशान देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतना कह सकती हूँ जो कुछ हुआ है ना उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। गलती तो खाना बनाने वाली की है। आपने 50 आदमी का खाना बनाने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं लगता है 10 आदमियों से ज्यादा का खाना बना हुआ था। और कम खाना बनने की वजह से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। नन्हे नन्हे हाथों से और कितना काम करोगी? आपने इतना कुछ खिला दिया, पहले उसे हजम तो कर लो। सुना, तुम्हारी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आई? कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। मोनी नहीं बताती मुझे, तो पता नहीं चलता तू यहाँ है। चल घर चल, सुबह घर से कुछ खा के भी नहीं निकली थी तू। आई, साई ने मुझे और मेरे दोस्तों को इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। खाना वाना गिर गया था ना, वही साफ कर रही थी। साई का घर ऐसा गंदा थोड़ी ना छोड़कर जा सकती हो। इनसे पहले कभी नहीं मिली हो ना तुम। मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। आई, चल तू घर चल, बहुत देर हो गई है। आई, लेकिन साफ सफाई में पहले साई की मदद तो कर लो। नहीं, तुम चलो यहाँ से। आई, मुझे साई की मदद करनी है। लक्ष्मी, सब कर तो दिया है तुमने, सब अच्छा तो है। देखो, तुम पर अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे, और दूसरों की मदद करने का ये जो जज्बा है ना, इसे कभी मत खोना। मदद कैसी? आपने तो मुझे साफ सफाई पूरी करने ही नहीं दी।
तुम्हारी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा मदद कर चुकी हो तुम मेरी। और तुम्हारी ही तरह अगर दुनिया का हर इंसान सबकी मदद करने लगे तो ये दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है किसी की मदद करने के लिए। मेरी प्यारी गुड़िया, मदद करने की सबसे पहली सीढ़ी है नियत। नियत? नियत रखो, क्षमता अपने आप आ जाएगी। अंधेरे को चीरने के लिए किसी पहाड़ को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा, उसकी रोशनी सब तरफ फैल जाएगी। पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ घूमती रहती है, किस किस से बात करती है। अपने आप से क्या बातें कर रही हो आई? साई से मिलकर अच्छा लगा ना? मैंने मोनी को ठीक किया है, अच्छे इंसान होंगे। लेकिन जानती है ना, कुलकर्णी सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी उस फकीर की मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने कुलकर्णी सरकार को बता दिया तो वैसे भी सब लोग मौका देखते हैं हमें परेशान करने। लेकिन साई तो इतने अच्छे हैं, उनको किसी से क्या बैर? देखा बंता जी, मुझे देख के कैसे घबरा गई माँ बेटी। आपकी सूरत ही ऐसी है कि कोई भी घबरा जाए। चलिए सवाल कीजिए। सवाल? कैसा सवाल? नहीं पता तो चलिए पीछे आइए। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? साई के पास से। क्या कर रहे थे वहाँ? जलेबी खा रहे थे। जलेबी? उस बैरागी के पास कहाँ से आ गई? जलेबी 40-50। 40-50? ये सारी जलेबी अप्पा पाटिल कैसे खा गया? 5 मैंने खाए और बाकी दोस्तों ने। तुम जलेबी तो आज सरकार के घर पे भी बनी थी ना? सिर्फ जलेबी खाई या कुछ और भी? माफ करना, हमें देर हो रही है, बच्ची कुछ भी बड़बड़ाती है। पीछे। मेरे सवाल का जवाब ना देना मतलब सरकार के सवाल का जवाब ना देना है। उत्तर दो, सिर्फ जलेबी ही खिलाई या और पकवान भी खिलाए तो उस भिखारी ने? भिखारी नहीं है वो, उन्होंने हमें जलेबी ही नहीं भजिया भी खिलाई और लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भजिया और वड़ी कितने लोगों के लिए बनाई गई थी? 50 लोगों के हिसाब से बनाई थी। 50 लोगों का खाना पाटिल अकेला खा गया? असंभव, केवल असंभव। असंभव क्यों? मैंने कहा ना, साई के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वो हर असंभव को संभव कर देते हैं।
कचौड़ी लड्डू भजिया जलेबी ये सब अप्पा पाटिल खा गया। ये सब कैसे हुआ कोई बताएगा मुझे? क्यों? तू सही कह रही है, इसने खाना कम बनाया है और अब ये झूठ बोल रही है। अगर अप्पा पाटिल इतना सारा खाना खा लेता तो वो जीवित नहीं बचता। जाते वक्त वो ये भी कह गया कि वो घर जाके और खाना खाएगा। ये तो वैसे हो गया जैसे वो कुबेर के घर पहुंचे गणेश और सारा खाना अकेले ही खा गए। कुबेर का अहंकार जो टूटा था ना, या तो अप्पा पाटिल गणेश है या फिर हमारे घर पर खाना कम बना है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर 50 लोग भी आ जाते ना तो खाना कम नहीं पड़ता। जरूर कोई और कारण है। क्या और क्या कारण हो सकता है रुक्मिणी, बता। अपनी फूल को किसी और पे थोपना चाहती है तू? फूल नहीं, मुझे तो लगता है ये तेरा ही षड्यंत्र है। आप ऐसे कैसे सोच सकते? सोच सकता हूँ, मैंने देख रहा हूँ बैरागी के प्रति तेरे मन में बड़ी सहानुभूति है। उस दिन भी मेरे ना कहने पर तूने उसे भिक्षा दी, तेरे ही कारण उसने मेरा अपमान किया। और तुम्हें सोचा होगा कि कहीं अप्पा पाटिल पराजित हो गए तो उस बैरागी को शिरडी से जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने अच्छे पति के पराजय की कामना करने वाली स्त्री तो राक्षसों में भी नहीं थी। लेकिन मनुष्यों में है जू, मनुष्यों में है। आप लोग गलत समझ रहे हैं मुझे। तो सही क्या है? अपना पति ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। अप्पा पाटिल ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। हाँ, उत्तर दो अंता जी। चलो पीछे हटो। आपके सारे प्रश्न, सारी दुविधाओं का एक ही जवाब है सरकार, वो बैरागी। हाँ सरकार, वो बैरागी। रोग करने वाले को रोग का भय, कुल में पतन का भय होता है। धनी को राजा का भय और आत्मसम्मान वाले को दीनता और निर्धनता का भय होता है। बलवान को शत्रु का और रूपवान को बुढ़ापे का भय होता है। विद्वान को वाद विवाद का और गुणी को मूर्ख का भय होता है। शरीर को मृत्यु का भय होता है। इस संसार में हर चीज मनुष्य में भय पैदा करती है, बस सिर्फ वैराग्य ही है जो भय से पूर्णतः मुक्त है।
बैरागी को नीचे गिराने की जितनी कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मेरे सामने चुनौती बन के खड़ा होता जा रहा है। कोई और उपाय ढूंढना होगा। इस बैरागी पर नजर बनाए रखना। जी सरकार। सुनो, वो खाने वाली बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने वाली बात? कौन सी खाने वाली बात? हरिओम। क्या खा लिया था जो इतना दर्द हो रहा है? मैं अभी आती हूँ। अब तू कहाँ चली? इनके लिए औषधि लाने। किससे? साई से। साई से, जिसे पूरा गांव पाखंडी समझता है? आई। उससे मेरे बेटे का इलाज करवाओगी? हाँ आई। तू गप्पस, तेरे लिए तो आई वेड़ी है ना। और तू तू उस जादू टोने वाले से औषध मत लाना, समझी ना। इस गांव में एक ही वैद्य है और वो है कुलकर्णी सरकार। अरे दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास से इलाज करवाने के लिए, और तू तू उस ढोंगी पखंडी के पास से मेरे बेटे का इलाज करवाना चाहती है? कान खोल के सुन ले, औषधि आएगी तो सिर्फ कुलकर्णी सरकार से, समझी ना। ऐसा का ये लो, तात्या का नया कुर्ता सिला दिया है। ये अप्पा जी को क्या हुआ? इनके पेट में बहुत दर्द है। काशीराम, सही वक्त पे आए हो। बाईजा के साथ जाओ, औषधि लानी है कुलकर्णी सरकार से। लेकिन आए कुलकर्णी सरकार की वजह से ही तो। आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। ठला पूरे दिन में दूसरी बार आप मेरी चौकट पे आई हो भाईजा का। लगता है शिरडी चमत्कारों की भूमि बनती जा रही है। कहिए, सब कुशल मंगल तो है घर में? औषधि लेने आई है। औषधि? इसका मतलब खाने ने अपना असर दिखा दिया। हरिओम। औषधि? घर में कोई अस्वस्थ है क्या? अप्पा जी, अप्पा जी, क्या हो गया अचानक से अप्पा जी को? जब से आपके घर से लौटे हैं तब से उनको। मात्र मेरे घर आने से लोग अस्वस्थ होते हैं, तो अब तक पूरे शिरडी को अस्वस्थ हो जाना चाहिए था भाई साहब। आप भूल रही हैं कि मैं वैद्य हूँ, लोगों के रोग दूर करता हूँ। इतना ही नहीं, पूरे शिरडी को रोग मुक्त रखने का प्रण लिया है मैंने। कल प्रातः समय आइए, औषधि तैयार मिलेगी। क्यों? सुबह उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पेट में बहुत दर्द है और आप कह रहे हैं कि मैं सुबह हूँ? आयजा का, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ भाई जाकर, अप्पा जी की भी।
लेकिन साथ ही साथ वनस्पतियों की पीड़ा का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। सूर्यास्त के पश्चात वनस्पतियों को हाथ नहीं लगाता हूँ। मेरे निद्रा का समय हो गया है। हरिओम। यदि वो पीड़ा में होते भाई साहब का, अगर आप कहें तो मैं लौट कर जाऊं कुलकर्णी सरकार से विनती करूं, शायद वो मान जाएं। अप्पा रात भर इतनी तकलीफ में कैसे रहेंगे? भाई साहब का, उधर कहां जा रही है? घर तो इस तरफ है। लेकिन साईं इस तरफ है। खंडर में बैठ के सोचता है कि पूरी शिरडी बरगला देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पंता जी, ये दोनों इस समय इधर किधर जा रहे हैं? ये रास्ता तो खंडर की तरफ जाता है, जरूर ये दोनों साई से मिलने जा रहे होंगे। पंता जी, ये बायजाक का सरकार के आदेश को कभी मानती ही नहीं है, आज इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। मैं पीट दूं इन दोनों को? उठाओ, ये तो गोबर है। तो क्या हुआ? तो आप क्यों नहीं उठा लेते? मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, पर आप नहीं उठाना चाहते तो ठीक है, मैं तो खुशी खुशी उठा लूंगा। अंता जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये गोबर नहीं इनाम है। समझे, लेकिन देर से। जब मैं ये गोबर उठाऊंगा और बायजा का के ऊपर फेंकूंगा तो इनाम किसे मिलेगा? मुझे। मैं उठाता हूँ। नहीं नहीं, मैं उठाऊंगा गोबर। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। मेरी हालत देखकर दुखी मत हो, तक पहुंचने के लिए तो मैं मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी बायजामा। जानती हूँ, लेकिन अभी अब्बा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इतना खाना खिलाया जाएगा तो तबीयत तो खराब होगी, पर बेफिक्र रहो बायजामा, इस संसार में हर कर्म का फल है। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा। चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर कर्म के फल से मुक्त नहीं है। कोई बचना भी चाहे तो कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता।
अप्पा जी के सिराने बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उन्हें आराम मिले। तुम समझ नहीं रहे हो साईं, वो पीड़ा में करा रहे हैं, बहुत दर्द है उन्हें, और तुम कह रहे हो कि मैं उनके सिरहाने बैठकर केवल ज्ञानेश्वरी पढ़ूं। मुझ पर विश्वास है ना बायजामा? आस्था किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, ये मैंने सुना था, लेकिन आज खुद महसूस करके देख रहा हूं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये अंधविश्वास है, जहां दवा की जरूरत है वहां दुआ का सुझाव दे रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये अंधविश्वास है तो हो, मैं भी विश्वास करके देखना चाहता हूं, जैसे बायजा का ने किया है। अल्लाह औषधि कहाँ है आई? वो कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते, इसलिए औषधि तो कल ही मिलेगी। कल? तो क्या मेरा बेटा इतनी तकलीफ में रात बिताएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें आई। रुक, ये तेरी साड़ी पे गोबर कहाँ से लगा? आई वो रास्ते में। देवा काय कर, श्री गणेशाय नमः, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसं वेद्या आत्मरूपा, देवा तुचि गणेशु सकलात्मति प्रकाशु, भणे निवृत्ति दासु अवधारिजो जी। जब जीवन में दुख का नियारा छा, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जला, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ठीक तो लग रहा है ना? साई कृपा। मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, पता नहीं तुम पर इतना विश्वास इतनी आस्था क्यों है मुझे, लेकिन मुझे मां कहा, पत्थर मारा तो मौनी का रोग दूर कर दिया, ज्ञानेश्वरी पढ़ने का मार्ग दिखाकर अप्पा जी का कष्ट दूर किया, ना ही तुम्हारी बात ईश्वर तक पहुंचती है, सबके रोग दूर करने आए हो तुम, शिरडी के लिए आशीर्वाद बनकर आए हो तुम,
पापा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते। बायजा का बढ़िया आए थे मुझसे औषधि लेने। कुलकर्णी सरकार मूर्ख नहीं है जो औषधि देकर अप्पा के कष्ट कम कर दे। कुलकर्णी सरकार ने दवा नहीं दी, अब मैं अपने बच्चे को ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज करे बिना पक्षपात के। लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कल समय आई है औषधि तैयार मिले। मैं अपने बच्चे को लेकर कहां जाऊं? को ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज करे अप्पा जी की तबीयत बिना पक्षपात के। औषधि तो कल ही मिलेगी। दर्द की दवा हो तो उम्मीद तो होती है, लेकिन जब दवा होते हुए भी उम्मीद ना हो तो तकलीफ कितनी गहरी होती है ये शिरडी के लोग ही समझ सकते हैं। शत्रु मित्र धनी निर्धन धर्म जाति कुल, इन्हें इलाज करने या ना करने के लिए आधार कैसे माना जा सकता है? खास तौर पर तब जब शासक ही स्वयं वैद्य हो, तो क्या शासक की यह जिम्मेदारी नहीं कि उसकी प्रजा रोग मुक्त रहे? फिर शर्त कैसी? अहंकार क्यों? में रहता है ना? बाहर से तो आई हूँ मैं अभी। तो फिर मुझे नहीं पता आपने साई को देखा है? दूर हटो, दूर हटो। साई को अभी जंगल की तरफ जा रहा था अपने झोला बोला लेके। क्यों, क्या हुआ? जंगल क्या? साई, साई, साई कहाँ है? साई है नहीं, वो बुला रही है उसे। चलो उसके पीछे चल के देखते तो है हुआ क्या है आखिर। हाँ, चलो। हाँ। अरे अंता जी। अरे हाँ पंता जी। अभी और नहीं भागा जाता उसके पीछे। अब उसके पीछे भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अंता जी। गया वो भिखारी शिरडी छोड़ के, और अब ये शुभ समाचार सरकार को देना होगा। सरकार तो बहुत खुश होंगे हम पर। चलो सरकार को बता दे। अंततः उसे शिरडी से पलायन करना ही पड़ा। एक प्रकार से तो ये शुभ समाचार है, लेकिन साथ ही में चिंता का विषय भी। अब किसकी चिंता सरकार? कैसी चिंता सरकार? कई बार
व्यक्ति की उपस्थिति से अधिक उसकी अनुपस्थिति उस व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। इसलिए इससे पहले कि लोगों को उस भगोड़े का सत्य पता चल जाए, हमें लोगों का ध्यान किसी दूसरी दिशा में भटकाना चाहिए। वो कैसे? मनुष्य प्राणी बड़ा स्वार्थी होता है। उसके सामने अगर समस्या हो और उसे उसका व्यक्तिगत हित अहित बाधित हो रहा हो, तो वो दूसरों के हित अहित के बारे में नहीं सोचता है। और वैसे भी स्मृतियों की आयु बहुत छोटी होती है कि नहीं? समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। पूरे गांव को चावड़े पे बुला लो, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे। अरे मैंने सुना है हमेशा के लिए चले गए हैं साईं। हाँ कह तो रहे हैं लोग। सरकार आए हैं। अरियो, चतुर्मास का आरंभ होने वाला है और जैसे हर वर्ष होता आया है, वैसे इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन होगा। कल का दिन सुबह मुनिम जी चंदा इकट्ठा करना है। महापूजा इस समय? वो तो बाद के महीने में होती है ना। ये सच कह रहे हैं? विलंब नहीं करना है सरकार। हर साल जब किसान अपनी फसल बाजार में बेच के आता है, उसके बाद ही चंदा दे पाता है पूजा के लिए। लेकिन इस बार तो फसल कटी भी नहीं है, ये बेचारे लोग चंदा कैसे दे पाएंगे? आप अपनी बात कीजिए महासभापति जी, लोगों से बात करने के लिए हम हैं ना। सरकार आप सबकी तकलीफों से परिचित है और इसलिए उन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। जो चंदा नहीं देगा उसे अपनी जमीन देनी होगी। कल तक का समय है आप सबके पास। कल तक? आप सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं खुद के लिए मांग रहा हूं चंदा। चतुर्मास आ रहा है और केवल आपसे नहीं, इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से लिया जाएगा चंदा बिना पक्षपात के। और इस बार का सबसे बड़ा चंदा तो मैं खुद लेने जाऊंगा। आई रुक, कहाँ घुसी आ रही है? मैं तो वो मैंने बुलाया था उसे आई उपलो के लिए। झिपरी ये टोकरी वहां रख दो कोने में। सुन इसे रोक कर रखा, मैं अभी आती हूँ। लड्डू खाओ। लड्डू? क्या हुआ? साई की याद आ गई। कल आपने
लाई थी। मुझे क्या पता कि मैं इसके बाद उनसे कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? क्यों नहीं मिलोगी तुम साई से? क्योंकि वो शिरडी छोड़कर चले गए। साई शिरडी छोड़कर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद देखा उनको जाते हुए। कड़ी सरकार के यहाँ आपको जबरदस्ती परोसा गया, खाने के लिए मजबूर किया गया। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सब आपके पेट में नहीं जा रहा है? साई की कृपा थी वो। कड़ी सरकार आपको सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि मैंने साई को खाना खिलाया था, लेकिन साई ने उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया। आपकी रात की तकलीफ भी साई की कृपा से ही दूर हुई थी। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपसे बदला लेने में। मेरी मदद करनी होगी। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। ये सब साईं की वजह से हुआ है। तो आपको विश्वास हो गया ना साई पर? हाँ, विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि अगर तेरा साई नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती थी। तेरे साई ने कोई उपचार नहीं किया, बल्कि उसने तो और कष्ट दिया मेरे बेटे को। तू तो अंधी हो गई। अंधी? भाई ऐसा नहीं है साई। तो हाँ हाँ, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, माँ की नहीं। आई तो भेड़ी है। हाँ, साई कृपा, साई की वजह से सब हो रहा है। तुम तीनों एकजुट भी हो जाओ ना तो भी मेरा विचार बदल नहीं सकते। कान खोल के सुन लो एक बात, मैं इस घर की मालकिन हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और अगर इसके बावजूद भी तुम उस पाखंडी को मिलने गई
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ए, तू यहाँ खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ चल जा अपने घर जा। हाय, मुझे सिर्फ एक बार साई को रोकने दीजिए, सिर्फ एक बार। इधर उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। सौगंध दे दिया आपने मुझे, एक बेटे की सौगंध देकर आप मुझसे मेरा दूसरा बेटा छीनना चाहती हूँ? हाँ, ताकि तेरी मूर्खता से मुझसे मेरा बेटा ना छीन जाए। ए, तू क्यों खड़ी अभी तक? जा अपने घर पे, और दोबारा ऐसी खबरें लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहाँ से। योम। कल आप हमारे द्वार पर थे और आज हम आपके द्वार पर चले आए हैं। शिरडी में स्वच्छता अभियान का समय आ गया है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अप्पा जी। विश्वास है कि आप निराश नहीं करेंगे हमें। इस समय तुम्हारी आवाज में गुस्से से कहीं ज्यादा पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा, एक माँ की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चिंता मत करो। साई, साई, शिरडी में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ है, आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ होगा तभी तो शिरडी का उद्धार होगा।
शिरडी की भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा समर्पित है। कहने वाले करते नहीं और करने वाले कहते नहीं अप्पा जी। शिरडी के भलाई के बारे में सोचते तो आप घर पर नहीं चावड़ी पे होते, पूरा गांव आया था। केवल आपका परिवार नहीं था, हरिओम। आना चाहता था पर शायद आपको पता नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हरिओम, शिरडी का वैद किसी के पीड़ा से अनजान। आपकी बहू ने कल आने में बहुत देर कर दी। लेकिन कुलकर्णी सरकार का वचन स्वयं लेके आ गया। औषधि दीजिए। कल प्रातः यज्ञ का भव्य आयोजन किया है। यज्ञ अचानक? लेकिन उसके मौशी, मौशी, मौशी। गांव का शुद्धिकरण है, उसके लिए शुभ दिन की प्रतीक्षा क्यों है कि नहीं? शिरडी के कल्याण के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया है उसके लिए महाप्रसाद बनेगा। और महाप्रसाद के लिए गेहूं, चावल, घी, गुड़, तेल, ये सब गांव के पाटिल से ही प्राप्त होगा। इसीलिए आपके पास चला आया। पर पूजा तो पूरे गांव के लिए हो रही है, तो सामग्री सिर्फ हमारे ही घर से क्यों? मौशी। अब आप पूछेंगी शुद्धि पूजा क्यों है? क्योंकि गांव में अशुद्धि हुई है। अशुद्धि किसने की? जिसने अशुद्धि की वही भरपाई करेगा, है कि नहीं? वो ढोंगी फकीर आया था ना गांव में, बड़ी कठिनाई से उसे भगा पाया मैं। जब से गांव में आया तब से कुछ ना कुछ अपशकुन कर रहा था। तंत्र मंत्र की भूमि नहीं है। अप्पा जी, कहीं मैं कुछ अनुचित तो नहीं कह गया? यज्ञ के लिए आपको सामग्री भिजवा दूंगा। अरे आप कष्ट क्यों उठा रहे हो अप्पा जी, हम है ना। अनुमति दीजिए। अरे दे दी अनुमति, तू क्या देख रहे हो मेरा? अप्पा जी मना थोड़ी ना करेंगे। चलो चलो उठाओ सामान, चलो चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ घर में घुसे चले जा रहे हो? अरे रुको, क्या कर रहे हो? रुक जाइए। अरे रुको, बादाम भी मिल जाए तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जरूर रखा होगा, रसोई घर में देखते हैं। कहा था ना अन्नपूर्णा का अपमान मत कर, देख लिया ना नतीजा? इतनी मेहनत से कमाया हुआ अनाज कैसे बाहर जा रहा है, भर भर के लेके जा रहे हैं। आई तो पागल है, ऐसे बड़बड़ाती रहती है। एक की करनी सबको भरनी। सरकार मिल गया। कल घर में भोजन मत बनाइएगा। यज्ञ में महाप्रसाद का आयोजन किया, करम भोज होगा, बड़ा आनंद आएगा। हरिओम।
आई, क्या हुआ आई? वो हमारे घर से सामान ले गए, इसलिए रो रहे हैं? नहीं, गांव में कोई भी पूजा हो, तुम्हारी आई बहुत कुछ भेजती है खुशी खुशी। तुम्हारी आई इसलिए रो रही है क्योंकि इनका साई फिर से शिरडी छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे, बिना मिले। लेकिन साई ने तो वचन दिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वचन दिया था उसने मुझे, मैं भूल कैसे गई? सुना आपने क्या कहा इसने? साई ने वचन दिया था मुझे, कहा था मुझसे कि वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कई बार बच्चे अपनी मासूमियत में वो सच्चाई कह देते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते हैं। दिया था उसने मुझे वचन, दिया था उसने मुझे वचन। जिस वजह से तुम दुखी हो बायजामा, उसे मैं अपने लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता जानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारी इस ममता के लिए लोग हमेशा हमेशा तुम्हें मेरी मां के रूप में याद रखेंगे। अवस्रजा वनस्पते देव देवेभ्यो हवि प्रदातुरस्तु चेतनम्। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए साई। मैं जानता था कि आप यहां आएंगे, आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ साईं। और सच तो यही है कि आपके माध्यम से संसार के प्राणियों की सेवा करने में मुझे अनंत सुख मिलेगा।